नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बरसरा रायबरेली के लोगों की मानसिकता का शिकार बना एक दरोगा। पुलिस प्रशासन द्वारा चाहे जितने अच्छे कार्य किए जाए पर लोग हमेशा पुलिस प्रशासन के कलंकित करने पर कोई कौर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही हाल बरसरा में बीते 4 दिन पूर्व का, जहां पर वाहन सुरक्षा के अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान वाहन सवार ट्रक के नीचे जा गिरा, जिसके पैर पूर्ण रूप से क्षतग्रस्त हो गया। पता चले कि पूरा मामला बछरावां चौराहे का, जहां पर कस्बे इंचार्ज राजू सिंह चौहान द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शाम लगभग 8 बजे बस स्टॉप चौराहे पर वाहन चेकिंग लगाए हुए थे। तभी उन्नाव जनपद के सीताराम खेड़ा थाना मोरवा निवासी बीनू सविता पुत्र अवध बिहारी उम्र 30 वर्ष अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से बछरावां वापस जा रहा था। तभी वाहन चेकिंग के दौरान पूरी घटना हुई। खास रिपोर्ट मोनू सिंह, रायबरेली। हम लोग यहाँ से जा रहे थे, आगे से ट्रक था, पीछे ट्रक था, बगल से हम लोग निकल रहे थे। पुलिस वाले बहुत थे, दरोगा ने सब लोगों ने रोका, जो दरोगा पुलिस वाले सब। तो हमने कहा साइड लगाओ, साइड लगाने के पहले उसने खींच लिया, बोले इसको खींचो साले को, खींच लिया हमको। और जब ट्रक के नीचे पैर आ गया, फिर भी हम बोले कि भैया पैर आ गया है, रुक जाओ साहब। तो उसने ट्रक वाले को धमका दिया, ट्रक वाले ने और बढ़ा दिया, बढ़ा साले बोला। दरोगा साहब ने बोला बढ़ा साले, उसने डर के मारे बढ़ा दिया। मेरा पैर चढ़ा था, मेरे पैर के इतने टुकड़े हो गए, बताइए मेरे बच्चे लाल छोटे छोटे हैं। किस चौराहे घटना है? ये बछरावां चौराहे की साहब। दरोगा ने ऐसा किया, घसीटा है। हाँ, ये गिरा दिया मोटरसाइकिल। दरोगा साहब खड़े थे हमारे सामने, ये दरोगा है कौन से हम तो जानते नहीं साहब, लेकिन ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमने क्या बिगाड़ा? आपका क्या नाम है? हमारा बीनू नाम है। कहाँ के रहने वाले? सीताराम खेड़ा के रहने वाले। सीताराम खेड़ा। पिता का नाम? असली बिहारी। चलिए ठीक, आप कार्रवाई करेंगे, इसके आगे कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे सर। सर आपका नाम क्या है? शुभम जसवाल, जिले का कार्यशील सदस्य हूँ भाजपा युवा मोर्चा। जी। पूर्व नगर अध्यक्ष रहा हूँ भाजपा का। क्या हुआ था? अभी 48 घंटे पहले पुलिस द्वारा एक चेकिंग लगाई गई थी। एक राजू सिंह चौहान, एक यहाँ दरोगा है, नगर में थे, उन्होंने चेकिंग लगा रहे थे और एक व्यक्ति बुलेट से जा रहा था, उन्नाव का रहने वाला है, उसको रोका, वो रुका, लेकिन पैसे की लालच में, अन्य किसी भी घटना की लालच में उन्होंने उस व्यक्ति को खींच लिया। और पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसमें उस व्यक्ति का पैर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, वो अपंग होने की स्थिति में है। वो उसकी शादी हो चुकी है, उसके घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं। इस तरीके की घटना जो पुलिस ने की है, उसके बाद रायबरेली कप्तान उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से निंदनीय है। इसलिए हम सब युवा एकत्र होकर के माननीय विधायक जी को ज्ञापन देने आए हैं कि इस पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आम जनमानस में बहुत आक्रोश व्याप्त है, व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि उसने कई व्यापारियों के साथ गलत हरकतें की। कैसे क्या उसके साथ हुआ? उस व्यक्ति को उन्होंने ज़बरदस्ती खींच लिया चेकिंग के दौरान, कि चेकिंग के नाम पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार होता है चौराहे पर। इसकी शिकायत कई बार बछरावां कोतवाल से की जा चुकी है, वो कि निहायत ईमानदार है, लेकिन उनके कर्मचारी अगर चोरी बेईमानी मक्कारी कर रहे हैं तो इसके पूर्णतः जिम्मेदार आदरणीय कोतवाल महोदय हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कई बार कहा हम कार्रवाई करेंगे, उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका पूर्ण रूप से कौन जिम्मेदार है? क्या उच्च अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं कि आप पूरी तरीके से लूटपाट करिए, आप जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करिए, क्यों, ऐसा क्यों? जी 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 सर, आपका नाम? मेरा नाम हरिओम चतुर्वेदी, भाजपा कार्यकर्ता। जी जी, क्या हुआ था? 48 घंटे पहले एक युवक मोरावा जा रहा था और जैसे ही वो बछरावां चौराहे पे पहुंचा, जी, यहाँ पे जो दरोगा हैं उन्होंने उस युवक को पीछे खींच लिया, जिससे उसका पाँव एक ट्रक के नीचे आ गया। नाम क्या दरोगा? दरोगा का नाम राजू सिंह है। राजू सिंह चौहान, राजू सिंह चौहान उसका नाम है। जी जी। दरोगा के द्वारा किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। इससे पूरे जन आक्रोश पूरे बछरावां में आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। सभी लोग, सभी जनमानस दोषी दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन पूर्ण रूप से मूक दर्शक बना हुआ है और पूरा जनमानस बछरावां से लेकर रायबरेली जिला प्रशासन सब लोग दोषी दरोगा को बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हम युवा शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आज मुंशी चंद्रिका प्रसाद गुरुजी के माल्यार्पण किया और अभी हम लोग बछरावां विधायक जी के आवास पे आए हैं। जी जी। और विधायक जी को ज्ञापन देंगे कि दोषी दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई ना हुई तो हम लोग बछरावां में अनिश्चितकालीन अनशन करने पर काम करेंगे। यदि कानून व्यवस्था खराब होगी, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगी। जनता न्याय चाहती है, जनता न्याय चाहती है। एक युवक जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया और प्रशासन उस दोषी दरोगा को बचाने में लगा हुआ है। आए दिन चेकिंग के नाम पर लूट बचाए हुए हैं, चाहे बैंक हो चाहे बाजार हो, हर जगह गली गली में इनके लोग खड़े होते हैं लूटने के लिए। और जो लोग सिर्फ पैसे के लिए चेकिंग पर लगे होते हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और इसी कृत्य में आज उसका पाँव मतलब फ्रैक्चर हो गया, वो पाँव अपाहिज हो गया। इस दरोगा के कृत्य से संपूर्ण जनमानस न्याय चाहता है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम सभी युवा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने का काम करेंगे। यदि कानून व्यवस्था खराब होगी, संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जी धन्यवाद। जी हेलो। जी जी मोदी जी, जी जी प्रणाम।